छोड़ छोड़ डंडा काय को खेच रहा है, जितो बड़े बूढ़े को सहारो है, जाके बिना हम चलना पाएंगे। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी ये सुने बे को बैठे। अरे बोलना कुछ नहीं है, मैं ये पूछ रही थी पारो बेंजी का घर कौन सा है। पारो को घर काए काए बेंजी, बातें का काम हुए हमें ही बताए दो, हमारी ये लुगाई है वो। ओहो तो वो तुम ही हो। जीजाजी नमस्ते, मैं सहेली हूँ पारो की, अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। अरे तो तुम अंत के बेकार आई, घर तो हमारे पीछे ही है, जे मोरा बहुत खराब हुए हमारे गांव के, उल्टी सीधी नजर डालेंगे तुम पे, चलो आओ हमारे संग। मम्मी तेरी कौन कौन से यारी री कटी ले काजर बारी। हे कड़ी खाए ऐसे ना कात अपनी मम्मी सु कते ही सौरुना सीखत, ते पापा ने सुन लई तो बहुत मारेंगे बे, बिना के सामने मत गाइए ऐसे गाना। मम्मी पापा तो हमें वैसे दबाकर आता है, ताते बात की नहीं, तुम काय को अकल सिखला रही हो, मैं कह दू जिंदगी जियन दो खुल के, पापा सामने कछु ना कहेंगे। ओहो मम्मी नेक आगे खोल के देखे, पापा कौन सी लोड़िया पकड़ ले आए, पापा को जी। हे ऊंटा अपन मो बंद रखा, जीते ही मौसी ये हमारी सहेली, आओ आओ बेना। पारो सही बता रही हूँ, तुम्हारे गांव के लड़के बहुत बदतमीज है, बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिल पाया है मुझे, वो भी जीजाजी मिल गए थे इसीलिए, वरना मैं इधर से उधर भटकती रहती, अगर किसी को भी पूछती तो कोई कह देता आगे जाओ, कोई कह देता था पीछे जाओ, बड़ी मुश्किल में आ पाई हूँ घर तक। ए बेना बुरी मत मानियो, जी हमारा गांव नाइने ठेके गमा रहा है, जामे बिल्कुल मूर्ख बसता है, ऐसे ही मजाक करता है एक दूसरे से, तू आ जा खटिया पे बैठ ऊपर। मम्मी वो सिब तो ठीक है, लेकिन मौसी को जितो पूछो कैसी आएंगे। बाबू 32 तारीख को मेरी शादी है, तुम्हारी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, इसीलिए निमंत्रण देने आई हूँ, तुम सबको आना है। अरे सोनम तुम्हारी शादी है गांव में है रही है या शहर में। अरे बेना क्या बताऊँ, मेरा तो मन था शहर में जाने का, लेकिन हमारे पिताजी कर रहे हैं गांव में, अब देखती हूँ क्या होगा। क्या होगा अब का है बे कुएं, जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं सोई तो होएगा, गांव में कर रहे हैं तो गांव में जाऊंगी तुम। नहीं नहीं जीजू जी ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं अपने मन से भी जा सकती हूँ, एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो शहर में ही रहता है, अच्छा खासा कमाता है, मंडप से भी भाग जाऊंगी मैं, मेरा कुछ नहीं पता है। पारो जल्दी कार्ड ले ले इन पैसे, इन्हें विदा कर नियंते, अगर कहूँ नियंते ही बाज बूझ गई तो हमारे सिर पर जाएगी आफत, हम का जवाब देंगे इनके बाप को। ए का हो समय नाइनो, विदा कर नियंते, हमारी सहेली जैसे तैसे आ पाई है, सो हूँ बिना नाश्ता पानी कराए पठाए दूँ, ऐसो ना ऐसा कत, तुम बजे के बजाते मिठाई लेके आओ, नाश्ता पानी करा के पठाऊंगी इन्हें। मर गए मुरारी जी तो नई खाज लग गई, अच्छी जाके बेस्ट फ्रेंड आई गई, जाके लाई बर्फी ले आने पड़ेगी। जा रहे हो के काऊ और को भेजूं? जिधर जा रहे पारो, 20 मिनट को इंतजार कर, अभी आला लेके आता है बर्फी। आइए आइए ताजा ताजा मिठाई ले जाइए। हाँ भाई कारे तो चल रही है मिठाई।
वही पुरानी रेट, बर्फी चल रही है 300 रुपया किलो, गाजर का हलवा 750 रुपया किलो, सफेद छेना 60 रुपया किलो, गजक 150 रुपया किलो, काजू कतली 2000 रुपया किलो, डायरेक्ट वाली बर्फी 350 रुपया किलो। बताओ कौन सी ले जाओगे? बर्फी ले जाए तो कोई फायदा नहीं है, सीजन चल रहा है गजक को, सीजन की चीज खवाएंगे तो साली खुश तो हो जाएगी, है सकती है नंबर फंबर दे जाए हमें। अरे सोचो मत भाई साहब, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, 1 किलो गजक का डिब्बा ले जाओ, सब मामला सेट हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तो ठीक है, 1 किलो का डिब्बा दे दो गजक को, पैसा देंगे दूधिया देगो तब 15 दिन बाद, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम गजक ले जाओ, देते रहना पैसे, लो पकड़ो। काहे सोनम, सही सही बताइए, लड़का तेने देखो है के नहीं, के घरवाली की पसंद से शादी कर रही है, हमारी नहीं फंसे।